गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रवक्ता ने बादशाहपुर गांव में कृषि योग्य जमीन के टुकड़ों में रजिस्ट्री कर टुडे नाम के बिल्डर पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। आप प्रवक्ता की माने तो बादशाहपुर गांव की यह जमीन कृषि योग्य जमीन है, लेकिन इस जमीन की जिला प्रशासन से मिली भगत कर टुकड़ों में रजिस्ट्री करवाई जा रही है और उसके बाद प्लॉटिंग कर इस जमीन को महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, जबकि नियमों के मुताबिक इस जमीन के टुकड़ों में रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। आप प्रवक्ता का यह भी आरोप है कि जिला प्रशासन की मिली भगत से इस जमीन को बेचा जा रहा है और इस मामले में भाजपा नेताओं का भी बिल्डर पर पूरा आशीर्वाद है। आप पार्टी के प्रवक्ता ने मांग की है कि सरकार इस घोटाले की जांच एक सप्ताह में कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, अन्यथा आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ जन आंदोलन चलाएगी। आज की प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है कि सरकार की देखरेख में 72A सेक्टर जो है, जो ओपन स्पेस और यूटिलिटी के लिए था, जो लोगों को पब्लिक कम्युनिटी बिल्डिंग्स और पब्लिक यूटिलिटी मिलनी थी, उस जमीन में गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के विधायक, मौजूदा सरकार के विधायक कॉलोनी कटवा रहे हैं वहां पर। वो जमीन ओपन स्पेस और यूटिलिटी का जमीन था और उसके सामने जो जमीन थी वो GMDA की थी, जिसमें बस स्टैंड बनना था। उस बस स्टैंड की जमीन से रोड निकाल करके पूरी तरह से लेआउट बनाया है और उसको बेच रहे हैं अनअप्रूव्ड कॉलोनी को। इसमें पूरी तरह से डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग के एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उसने पूरी तरह से डिजाइन किया, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो रजिस्ट्री करता है, ये दोनों डिपार्टमेंट मिल करके इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, ये 11 एकड़ जमीन है। पहले ही जमीन के एग्रीमेंट किए गए, फिर डिपार्टमेंट ने इसके अंदर नोटिस जारी किया कि इसको रिस्टोर करा जाए। फिर वही पार्टी कोर्ट में चली गई, उस पार्टी को कोर्ट में जाने के दौरान ही डिपार्टमेंट ने इसको NOC दे दी। NOC मतलब आप रजिस्ट्रियाँ करवा सकते हैं, रजिस्ट्रियाँ होने लगी उसके दौरान। फिर कोर्ट ने इसको लैंड को भी डिक्लेयर कर दिया कि आप अनअप्रूव्ड कॉलोनी नहीं बना सकते। उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट इसके NOC पे कायम है और वो डिपार्टमेंट पूरी तरह से रजिस्ट्रियाँ करने जा रहा है 200-200 गज में, जबकि एक्ट ये कहता है कि 200 गज की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती। सारा पूरी तरह इनलीगल चल रहा है। और गुड़गांव में GMDA, DTCP, ये दो बहुत बड़े डिपार्टमेंट हैं जो CM की देखरेख में काम करते हैं, उसके बावजूद पूरी तरह से सरकार की देखरेख में इनलीगल काम हो रहा है गुड़गांव के अंदर। आम आदमी पार्टी ये कहती है इसकी इमीडिएट विद इन वीक इंक्वायरी की जाए, अगर अधिकारी दोषी हैं तो उनको हटाया जाए, इस कॉलोनी को वापस पब्लिक यूटिलिटी के लिए डिक्लेयर किया जाए और इसको रिस्टोर किया जाए और जिन्हों गलत काम किया FIR दर्ज करके जेल भेजा जाए। नहीं, हम आम आदमी पार्टी अपना जो भी डेमोक्रेसी में पार्ट होता है डेमोस्ट्रेशन करेगी, काले झंडे दिखाएगी।